साथियों, आप भलीभांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन की वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की एक डोज होगी, दो डोज होगी या तीन डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कॉम्पिटिशन है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं, WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क है। इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट के तहत, इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।